कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग, बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। टेस्टिंग के साथ बूस्टर डोज लेने पर फोकस किया गया। कोरोना को लेकर देश में आज से और सख्ती। चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। नए साल पर वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं का तांता लगा। माता के भक्तों ने डांस कर नए साल का स्वागत किया। अयोध्या में थी उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल के पहले दिन काशी में गंगा आरती से श्रद्धालुओं ने दिन की शुरुआत की। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कुशीनगर में नए साल का जश्न मनाने काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे। कई रूटों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। आकर्षक झूले और स्टॉल टूरिस्ट को खूब आकर्षित कर रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर में नए साल का जश्न। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने नए साल की शुभकामनाएं दी। नए साल के पहले दिन राजधानी देहरादून के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़। सहस्त्रधारा में नए साल पर मस्ती कर रहे सैलानी। नए साल पर मंदिरों में खासी भीड़। हल्द्वानी के अष्टभुजा महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह। आगा का इंजीनियर दीपक मकेजा पुडुचेरी में हादसे का शिकार। नए साल का जश्न मनाने के दौरान दीपक समंदर की लहरों में समाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स हॉस्पिटल पहुंचकर ऋषभ पंत का हाल जाना। ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली। यूपी विधानसभा के कॉरिडोर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बिजली काटकर आग पर काबू। यूपी सरकार के आयोगों निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तैनाती होगी। पदों पर तैनाती के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की। 2 जनवरी को लखनऊ में बीजेपी की बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे बीएल संतोष। निकाय चुनाव और 2024 चुनाव पर भी मंथन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी सरकार अन्य राज्यों से भी निवेश जुटाएगी। पंजाब का नाम भी इस लिस्ट में शामिल। राज्य सरकार के प्रतिनिधि लुधियाना चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। G20 सम्मेलन को लेकर यूपी में कार्यक्रम होंगे। यूपी में करीब 1 दर्जन कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। 3 स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन होगा। हॉकी का सपना संजोने वालों के लिए मौका। इस साल यूपी पुलिस में विभिन्न पदों पर 40,000 युवाओं की भर्ती होगी। प्रक्रिया शुरू। एडीजी और डीजी के बीच में स्पेशल डीजी का पद सृजित करने की तैयारी। सबसे पहले साल 1990 बैच के आईपीएस अफसरों को इस पद पर प्रोन्नति मिलेगी। भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्र के परिजनों पर शिकंजा। विजय मिश्र के भतीजे मनीष मिश्र की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 मंजिला मकान कुर्क करने का आदेश। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में मारपीट। पार्टी के दौरान महिला के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की। बीच बचाव करने आए सुरक्षाकर्मी को पीटा। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। बिजनौर में धर्मांतरण के खिलाफ सिखों की पंचायत। शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों ने विरोध करने पर बाल काटे।